अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है सी व्यू पे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, नया ही बना है, क्लॉक टावर के नाम से, दी फूड बाज़ार। यहाँ हम आज विज़िट करेंगे, ठीक है। इनका ड्राइव थ्रू भी है और ये आप देख सकते हैं बाहर पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है। ये हम अंदर जा रहे हैं, ये इनकी बेकरी है बाहर, जिसमें थोड़े बहुत पेस्ट्री आइटम्स और ये सब हैं। ये इनका वेटिंग लाउंज है, ठीक है। और अभी हम हाई टी के टाइम पे आए, अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, इसलिए इतना रश आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और ये ऊपर स्टेयर जा रहे हैं, इनका आला कार्ट का मेन्यू ऊपर भी सर्व करते हैं, बूफे जो है वो नीचे है। और थैंक यू। ये इनका सीटिंग एरिया है इनसाइड जो है इंडोर, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली अभी ये हाई टी का टाइम है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है हाई टी, तो इस वजह से अभी आपको रश नहीं मिलेगा। ये इंडोर है और हम आपको डिटेल बाद में बताएंगे कि कितने लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट है, कितने लोग इंडोर बैठ सकते हैं, कितने लोग आउटडोर बैठ सकते हैं। फिर हुए हैं इनके बुफे एरिया में और अभी इनकी हाई टी बिल्कुल अभी अभी ओपन हुई है, तो लेट्स सी व्हाट अदर डिशेस दे आर ऑफरिंग। हाई टी में भी वास्ट वैरायटी ऑफ फूड है, आप चिकन चाउमीन, आप ये ऊपर करते रहेंगे, दिखा दूँ ज़रा, ये देखें, ठीक है, सही है। चिकन शाश लिखे है, ये चटनियाँ हैं, ये आपके फिश क्रैकर आ गया। लाइव कुकिंग हो रही है, फ्रेश फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश फ्रेश सर्व कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन आप सफाई देख सकते हैं इधर, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने क्लीनलीनेस मेंटेन की भी है। हम अंदर की तरफ से भी आपको दिखा रहे हैं, क्लीनलीनेस देख सकते हैं। इवन जो सर्व कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली मास्क है उनके और ग्लव्स वगैरह उन्होंने पहने हुए हैं। ये लाइव कुकिंग कर रहे हैं ये अभी। ये अच्छा, आपके बारबेक्यू भी है इसमें, अच्छा ठीक है। इनके हाई टी में बारबेक्यू भी है जो कि ज़्यादातर लाइव बारबेक्यू कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर सो डिनर वगैरह में सर्व होता है। लेकिन ये और ये इनका डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एंड स्वीट एरिया। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या क्या है इसमें, ये देख सकते हैं। अच्छा, शाही खीर, फाइन, ओके ग्रेट, मेरे तो मुँह में पानी आ गया देख के। चलें ग्रेट ग्रेट, ये क्या है, अच्छा पेटीज हो गए, ठीक है ठीक है। और ये आ गए आपकी ब्राउनीज, बच्चों की पसंदीदा। ये गुलाब जामुन आ गए, बड़ों के पसंदीदा। और ये पूरा, ये बैक साइड से व्यू है पूरा जी। अब अच्छा और भी है वैरायटी, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। स्पाइसी पास्ता आ गया, ये वाइट पास्ता आ गया, ठीक है ठीक है। कबाब आ गया ये, ठीक है फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। ये अपने हाई टी में, ये हाई टी में ही, मतलब आप इतना ले सकते हैं कि आपको डिनर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उन्होंने हाई टी कम और मेन कोर्सेज भी ज़्यादा रखे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये सूप एरिया है इनका, ठीक है, और इनके डिफरेंट डिफरेंट सूप्स होते रहते हैं। ये सैलड बार एरिया है इनका, सैलड्स की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है इनके पास। पानीपुरी, चाट और दही बड़े का सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये सैंडविचेस आ गए इनके बगैर जो हाई टी जो इनकम्प्लीट है, सही है। पालक पनीर आ गया, ज़बरदस्त, और ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, ये इनका आपका ड्रिंक्स का सेक्शन है इनके पास, आप देखें चाय कॉफ़ी जूसेस फ्रेश लेमनेड वगैरह सब आपको मिलेगा। और नाज़रीन आप सफाई देखें, और ये जो सर्वर्स हैं इन्होंने भी मास्क वगैरह पहने हुए हैं, सफाई सुथराई का पूरा यहाँ पर इंतज़ाम है। ये आप अगेन एक दफ़ा देख सकते हैं, ये इनका बुफे है, काफ़ी सारी वैरायटी है बुफे में। ये आउटडोर इनका एरिया है, ये डिनर के लिए ये लोग ओपन करते हैं रात को,
और ये ग्राउंड फ्लोर का आउटडोर है, बहुत ही अच्छा व्यू है, सी व्यू है सामने। अभी हम सन है बिकॉज हम शाम के टाइम आए हैं, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। आपको अगर मौसम इंजॉय करना है, बारबेक्यू का मज़ा लेना है, तो आउटडोर जो है वो बेस्ट है, बेहतरीन है। तो आप ज़रूर ज़रूर इधर आए, मेरी प्रेफरेंस है। आप देख सकते हैं ये, अच्छा ये यहाँ पर ये लोग इवेंट्स भी करते हैं, इवेंट्स भी हैं नीचे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इनका डेजिग्नेटेड इवेंट, हाँ इवेंट एरिया है डेजिग्नेटेड, और इसमें ये लोग जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं। हम आपको इंशाल्लाह जो जो इवेंट्स होते रहेंगे वो भी हम आपको कोशिश करेंगे कि हम कवर करें, आपको आइडिया दें। ये इसका यहाँ से व्यू है, इनका आउटडोर का, ऊपर का भी, अपर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ठीक है। ऊपर जो है आलाकार्ट होता है 5 बजे के बाद से, और डिनर वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं ऊपर सनसेट व्यू के साथ। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, बहुत अच्छा व्यू है, तो ज़रूर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें, बहुत अच्छा व्यू है। ये इनका डेजिग्नेटेड इवेंट स्पेस है बर्थडेज़ वगैरह के लिए, पार्टीज़ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने आउटडोर में छोटा सा ये एक एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये इनका आलाकार्ट का एरिया है, यहाँ पर 60 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, 60, ठीक है। और इस तरफ अगर हम जाएं तो इनका साइड में एक ये भी पोर्शन है, यहाँ पर यूजुअली शाम को टेबल्स होती हैं, तो ये भी यहाँ पर भी आलाकार्ट चल रहा होता है डिनर, और यहाँ पर 30 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, 30। और जैसे छोटा मोटा इवेंट है आपका किसी का, तो 30 लोगों की गैदरिंग है, तो वो यहाँ पर आपको अरेंज कर देंगे। ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी इस एरिया के चार्जेस नहीं लेते हैं, यहाँ सिर्फ आलाकार्ट मेन्यू, जो भी आप आलाकार्ट में ऑर्डर करेंगे सिर्फ वही खाना आपका चार्ज होगा, एरिया जो है वो फ्री है। जो इनके इवेंट के एरियाज़ हैं, जैसे नीचे मैं आपको दिखाऊँगी, तो वो चार्जेस उनके हैं, इनके नहीं हैं। ये आप इनसे व्यू देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी व्यू है, ये देखें आप। अगर किसी को सनसेट का है क्रेज़ तो वो यहाँ पर इंजॉय कर सकता है, और अभी तो बहुत अच्छा मौसम है, तो ज़रूर ज़रूर आप देखें, यहाँ से व्यू देख सकते हैं। इनके इत्तेहाद व्यू के नाम से ये बहुत अच्छा इनका एक हॉल बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें 30 to 35 तक लोग जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इस एरिया की जो मेन ख़ास वजह है वो ये है, इसको इत्तेहाद व्यू इसलिए कहा गया है कि यहाँ से आपको ये ख़याबान इत्तेहाद का पूरा व्यू नज़र आता है। अगर आप इसको देखें, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये एरिया दिखा सकूँ, और बहुत ज़बरदस्त व्यू है। रात को ये पूरा जो है वो लाइटिंग होती है इस रोड पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और कि ये डेकोरेशन वगैरह, इसमें अगर कोई आप पार्टी करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो डेकोरेशन वगैरह ये करके देंगे आपको, उसके चार्जेस सेपरेट होते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट होता है इनका। और इनका इंडोर एरिया है बीच व्यू के नाम से, यहाँ 40 to 45 लोगों की गैदरिंग होती है, और यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर आप जो है वो बुफे और आलाकार्ट दोनों ही कर सकते हैं, अगर आप बुफे का अरेंजमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि इनका बुफे जो है ग्राउंड फ्लोर पर है, तो अगर आप अपनी प्राइवेट पार्टी चाह रहे हैं कि वो रश वगैरह हमारी ना हो और हमारा प्राइवेसी भी हो और पार्टी भी हो, तो आप यहाँ कर सकते हैं। ये व्यू आप देख सकते हैं इनका, बहुत ज़बरदस्त यहाँ से व्यू है, बहुत अच्छा है। वो बाबर साहब हैं, यहाँ मैनेजर होते हैं, फ्लोर मैनेजर हैं ये, और ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे थोड़ी बहुत के क्या चार्जेस हैं और इनके टाइमिंग्स क्या हैं, बच्चे के इंडोर आउटडोर भी है इनके पास, तो वो बच्चों के बड़ों के क्या चार्जेस हैं, सैटरडे संडे ब्रंच में क्या टाइमिंग है, क्या चार्जेस हैं। जी बाबर साहब, कुछ बताएँ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? हमारे पास जो टाइमिंग्स हैं वो संडे ब्रंच, हमारे पास सैटरडे एंड संडे दो दिन ब्रंच होता है, और इसके चार्जेस जो हैं वो 1672 है विद टैक्स। और किड्स का जो है हमारे पास वो हम 4 to 8 ईयर्स चार्ज करते हैं 1100, ये भी विद टैक्स ही। और हाई टी की जो रेट्स हैं हमारे पास वो भी 1672 विद टैक्स है, और उसकी टाइमिंग 4 to 6 होती है हमारे पास। और डिनर टाइमिंग्स जो है हमारे पास 2 स्लॉट्स होते हैं, उसमें 2 शिफ्ट्स हैं, 7 से 9 और 9:30 से 11:30, और उसके रेट जो हैं वो 20 to 40 विद टैक्स है। और किड्स जो हैं वो 4 to 8 1300 हम चार्ज करते हैं किड्स के लिए। अच्छा,
अच्छा आप से ये मुझे बताएं कि यहाँ पर आने से पहले रिजर्वेशन मस्ट है या आपके पास जगह मिल जाती है? नहीं, हमारे पास जगह मिल जाती है, रिजर्वेशन फॉर द सेफ साइड। अगर आपके पास ज़्यादा गेस्ट हैं तो आप वो करवा लें, वो बेहतर होता है, क्योंकि वॉक इन का फ्लो हमें भी नहीं पता होता गेस्ट कितने आ रहे हैं और क्या। आई थिंक जरूरी है कि रिजर्व करा लें फॉर द सेफ साइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।